रीडिंग हुई है जिसमें फिगर्स पिछले साल के बजट के हों। उन्होंने कहा था कि गलती से पेज लग गया, लेकिन बाकी वो बातें हैं वो उसके अंदर साथ में नहीं है, गलती से तो नहीं हुआ। क्या विधानसभा में पारित होने के लिए प्रस्तुत हो गया, आसन की आदेश हुआ, काम चालू हो गया। लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आगामी वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में लोक लुभावने वादों की झड़ी लगाई, ये कितनी थोथी महसूस होंगी, ये मजबूरियां हैं। वरना ना तो इस बजट में कोई दिशा है ना कोई गति है। 2013-14 से लेकर 13-14 में भी इसी तरह की झड़ी लगाई थी, रिकॉर्ड है। प्रतिपक्ष में हम लोग बैठे थे और हम लोगों ने कहा भी कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं माने और उसका रिजल्ट सामने आया। आरबीआई ने स्टडी करवाई है, राज्य के को कर्ज के बोझ से करा रहे कर्ज के जाल में राज्य फंसता जा रहा है। इसमें तीन स्टेट्स हैं, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल और हमारा राजस्थान भी उसमें सम्मिलित है। 31 मार्च 2024 तक अनुमानित था 21-22 में 3.96, जो कि वास्तव में चालू वित्तीय वर्ष में 4.33 तक हो गया है। जबकि केंद्र ने राज्यों को जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा राज्यों 3% और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के और कंपनीज के लिए 0.5 का रिलैक्सेशन देते हुए ये किया, तब तक अनुमति दी। लेकिन 4.33, इसमें सभापति महोदय ये तो आप सहमत होंगे कि इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर तो कमिटेड लाइबिलिटीज हैं, ये तो रहेंगी ही, इसमें आप कैसे सुधार पाएंगे ये संभव लगता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 फरवरी को दिए गए भाषण में चेतावनी दी थी, उन्होंने अर्थ नीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित करने के जो कर दिया कुछ स्टेट्स ने, उन रेस्पेक्टिव स्टेट्स को जाकर समझाने की बात कही। हमारे पड़ोसी देश चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, तात्कालिक लाभ के लिए आने वाली पीढ़ी भुगतान करे, ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। लेकिन इसमें आर्थिक सेहत के संबंध में डिसिप्लिन का रास्ता है, वही अपनाने से पार पड़ेगी, वरना अर्थ का अनर्थ होगा। राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन, देश में राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए एफआरबीएम कानून 2003 में लाया गया और जुलाई 2004 से इसको लागू किया। ये कानून उस समय हमारी अर्थव्यवस्था का आकार काफी छोटा था, विदेशी निवेश के लिए परिस्थितियों का अनुकूल नहीं था जितना आज है। पर कैपिटा इनकम अन्य देशों की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन आज की स्थिति काफी बदल गई है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए अग्रसर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी दूसरी अर्थव्यवस्था के तुलना में तेजी से वृद्धि करने वाली बन चुकी है। 8-9 में ग्लोबल वित्तीय संकट के बाद भी दुनिया भर में फिस्कल पॉलिसी में भारी परिवर्तन आए, इस कारण एफआरबीएम कानून में परिवर्तन की आवश्यकता हुई। उसको देखते हुए एनके सिंह के पूर्व वित्त सचिव और सीनियर इकोनॉमिस्ट के अधीन एक समिति बनाई। समिति ने राज्य सरकारों के ऋण के लिए केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी का 40% और राज्य सरकारों का सामूहिक कर्ज 20% से होगा, समिति ने सिफारिश अपनी कर दी। मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण में आत्ममुग्ध होकर कहा कि हमने पिछले 5 बजटों में कोई नया कर नहीं लगाया। 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की रिपोर्टों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जहां पर 32% डिविजिबल पूल में था
जिसको बढ़ाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 42% किया है। 42% करने से विकास के लिए कर और कर के अलावा केंद्र अनुदान, ये दोनों मिलाकर 18-19 में जाएं, ये राशि 61,889 करोड़ थी, जो चालू वित्तीय वर्ष में 101,711 करोड़ रुपए हो गई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की राजस्व प्राप्तियों में केंद्र का हस्तांतरण औसत 45% है, लेकिन अधिकांश लोक लुभावन घोषणाओं में जा रही, राज्य के विकास में व्यय नहीं हो रहा। राजस्थान में नया कर नहीं लगाने के बाद भी राज्य को स्वयं की कर आय में वृद्धि लगातार हो रही है। इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय आर्थिक नीति के कारण ये संभव हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री जी मानते होंगे कि GST को लेकर कांग्रेस ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा था, मजाक उड़ा रहे थे। उसी GST ने राज्य की झोली भर दी। 2017 में जब GST लागू हुआ, उस वर्ष राजस्थान की GST 12,137 करोड़ रुपए मिला था, जो आगामी वित्तीय वर्ष में 23-24 में 48,946 करोड़ रुपए होगा, जो कि 400% से अधिक की वृद्धि है। प्रदेश में कर राजस्व में GST का योगदान लगभग 40% है, लेकिन राज्य के स्वयं कर राजस्व पिछले 5 वर्षों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं कर पाए। 19-20 में यह राशि 59,245 करोड़ से बढ़कर 23-24 में 114,169 करोड़ हो जाएगी, लगभग 93% वृद्धि है। इसमें GST की राशि घटा दी जाए तो 19-20 में कर राजस्व गैर कर GST 37,291 करोड़, जो आगामी वित्तीय वर्ष में 65,223 करोड़ रुपए होगी। गैर कर राजस्व में पिछले 5 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 19-20 के गैर कर राजस्व में आय 15,714 करोड़ थी, जो चालू वित्त वर्ष में 21,097 करोड़ होगी। इस गैर कर राजस्व में पिछले 5 वर्षों में 6,143 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में केंद्रीय नीतियों की आलोचना की। वास्तव में आर्थिक नीति के कारण केंद्रीय राजस्व व GST में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए केंद्र सरकार की प्रशंसा न करके आलोचना करना मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक ईमानदारी नहीं लगती। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि इन्होंने CSS के जितने भी दान हैं, जो केंद्र से राशि मिलेगी, उसमें राज्य का अपने हिस्से का जो पैसा खर्च करना पहले पड़ता था सिंह जी, और राशि मिल जाती थी, अब पूरी राशि खर्च करने के बाद में वो राशि मिलनी है। मैं ये जनता जल जीवन मिशन के 27,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार से मिले, राज्य सरकार ने सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए ही खर्च किए अपने अंश के, और उसके बाद वो राशि कहाँ जमा होती है, PD अकाउंट में जमा होती है, और उसका रेवेन्यू आपने सरप्लस दिखाकर अपना बजट का आकार बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए RBI ने यह कहा है कि रॉन्ग फिगर्स के आधार पर, और वित्त विभाग ने भी कहा है कि रॉन्ग फिगर्स के आधार पर अपना जो आमदनी है वो बढ़ाकर दिखा रही है राज्य सरकारें, वो वास्तव में सही फ्रेमवर्क नहीं है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में सोशल सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंता जताई। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सामाजिक सुरक्षा की प्रशंसा करते हुए बराक ओबामा को भी उद्धृत किया। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की आर्थिक विभेदकारी थी। इस संबंध में मैं आपका स्वीडिश अर्थशास्त्री जो नोबेल लॉरिएट है गुनार मिर्डल की को कोट करना चाहूंगा, जिन्होंने रूजवेल्ट की आर्थिक नीतियों की समीक्षा की थी।
Gunnar Myrdal was a lifelong foe of inequality and supporter of wealth redistribution. He showed how economic policies implemented by President Franklin Roosevelt, including of the minimum wage law and restriction on cotton production, hurt the African Americans of African origin. वे बेदकारी थी इसलिए नीति में परिवर्तन भी करना पड़ा. हम वेलफेयर स्टेट हैं, हमारी सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करती है, इसलिए विभिन्न कल्याणकारी योजना बनती है. लेकिन सामाजिक सुरक्षा की आड़ में चुनावी लाभ के लिए रेवड़ी बांटना या का विरोध होना चाहिए. फ्रीबीज के चक्कर में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धनाभाव में के कारण कटौती करनी पड़ेगी. मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन स्कीम तो लागू कर दी, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं तथा एनपीएस की आलोचना की है. हर स्कीम योजना में रिस्क होती है, रिस्क का नाम ही लाभ है. यूपीए शासनकाल में एलआईसी, एसबीआई आदि बैंकों ने कई नामी गरामी कंपनियों को निवेश में निवेश किया था, जो कई डूब गई. ओपीएस में भी रिस्क है. मुख्यमंत्री जी, आपको याद दिला दूं, 1999 में जब आपने सत्ता संभाली थी, आपकी पार्टी ने, और आप मुख्यमंत्री बने थे, तो जिद, आपकी जिद के कारण रिटायरमेंट एज 60 से घटाकर 58 की, 58 वर्ष की आयु में रिटायर करने के कारण एक साथ रिटायर्ड लोगों को सेवानिवृत्ति लाभ देना पड़ा, काफी लोगों को भुगतान रोकना पड़ा. बेनिफिट्स का भुगतान रोकने के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति डामाडोल हो गई, योजना के आकार में भारी कटौती की गई, आरबीआई से लगातार ओवरड्राफ्ट लिया गया, कर्मचारियों के वेतन को देने के लिए धनराशि नहीं थी, इसलिए बार बार वित्त निगम से करोड़ों रुपए का उधार लेने पड़े. ऐसी स्थिति से काम चलने वाला नहीं. सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, राज्य के राजस्व व पूंजी व ऋण उधार वो आंकड़े बताना चाहूंगा. 1920-21 में 2,91,191 था जो कर्ज का भुगतान, कर्ज का भाग 1,01,363, 35% भाग था, कर्ज का भुगतान था 56,128. 22-23 में कुल व्यय 3,46,182, कर्ज का भार 1,22,819, 35.47% में पहुंचा, कर्ज का भुगतान 72,714. 22-23 के संशोधित अनुमान 3,82,246, कर्ज का भाग 1,50,685, 39.42%, कर्ज भुगतान 1,04,810. 23-24 के बी में 3,90,856, कर्ज का भाग 1,48,355, 38%. इसमें इंटरेस्ट पेमेंट अगर आप देखें तो कुल व्यय का 8.29% हम व्यय कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट पे. टोटल एलोकेशन, बजट एलोकेशन बढ़ाने के लिए, आकार बढ़ाने पर ब्याज की देनदारी प्रतिशत के अनुपातित आधार पर कम होनी चाहिए, तभी जाकर प्रगति दिखेगी, ऐसा नहीं हो रहा. सभापति महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सदन के नेता ने कंपेयर भी किया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर 18-19 में 16,638 करोड़ थी, जो कि 23-24 में 38,061 करोड़ हो गई. ये कंपेयर तो किया है, लेकिन खुद ही के गवर्नमेंट के दस्तावेज तो देख लेते. 21-22 में 28,088 का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान था, जो घटकर 24,152 रह गए.
22-23 के बीई में 34,809 था, जो घटकर 29,141 रह गया, 8.42%, 10% से कम हुआ है। अब 9.74% बता रहे हैं, वास्तविकता में ये कहां जाकर पहुंचेगा ईश्वर ही जानता। बजट भाषण के पैरा 5 में 18-19 के पूर्व सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय, ये तो बता दिया आपने। वर्ष 21-22 में संशोधित अनुमान 28,086 का प्रावधान किया था, वास्तव में खर्च 24,152 हुआ। चालू वित्त वर्ष में 5,668 करोड़ का की कमी करके संशोधित अनुमान 29,148 की। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय एक दूसरे के पूरक। वर्तमान सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की अपेक्षा कर रही है। पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करती है, साथ ही उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। इन अदर वर्ड, सच इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ इन द आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। पूंजीगत व्यय से रोजगार का सृजन होता है, और विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द इकोनॉमी डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज असेंशियल फॉर बूस्टिंग प्राइवेट सेक्टर। केंद्र सरकार ने अपने बजट में 23-24 में पूंजीगत खर्च के लिए 13.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो GDP का 4.5% है। केंद्रीय बजट डिसाइडेड टू कंटिन्यू द 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट फॉर ऑन मोर देन ईयर टू स्पर द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंसेंटिवाइज देम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी विद सफिशेंटली एनहेंस आउटले ऑफ 1.03 लाख करोड़। ये स्टेट को और दिया है, उसके बाद में भी अगर नहीं कर पाए तो ईश्वरी मालिक है। सभापति महोदय, राजस्व प्राप्तियां, राज्य का स्वयं का राजस्व प्राप्तियां, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, RE और BE में तो भारी अंतर आता ही है। 23-24 में 1,14,169 करोड़ का कर राजस्व दिखाया, गैर कर राजस्व 24,285। लेकिन इसमें केंद्र का हस्तांतरण कितना है, 61,522 पे BE में आया है और 33,982 करोड़ BE में अनुदान है। कुल राजस्व ये हो गया 2,33,988 करोड़। इंडिविजुअल स्टेयर ऑफ राजस्थान इन टैक्सेस डिवॉल्व बाय द सेंटर आउट ऑफ 100, 14वें वित्त आयोग में 5.495% था, 15वें वित्त आयोग में 5.979 था, और इस वर्ष 21-22 से 25 तक 6.026% का डिवोल्यूशन है। इतना बड़ा डिवोल्यूशन होने के बाद फ्री बीज के कारण से अगर डेवलपमेंट नहीं हो तो ईश्वरी मालिक है। राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरण 17-18 में 60,968 करोड़ था और 23-24 में बी में 95,534, जो कि 40% है। औसत 5 वर्षों का 45% डिवोल्यूशन है केंद्रीय हस्तांतरण का, ये बहुत बड़ी राशि है। सभापति महोदय, GSTP रिसीट्स एज परसेंटेज ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू 17-18 में 50,605, 22-23 में 98,294, RE था 92,718, 23-24 की 1,14,169, इसमें GST का कंपोनेंट पहले 12,137 करोड़ था 17-18 में, 23-24 में 48,946 करोड़ का है। पर परसेंटेज हिसाब से 42.87%।
ये छोटा डेवल्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा डेवल्यूशन। जीएसडीपी का अग्रिम अनुमान पैरा 151 पैरा 4.58 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जीएसडीपी के पूर्व व अग्रिम अनुमान कई राज्यों द्वारा स्वयं के परिकल्पनाओं के आधार पर उपलब्ध कराते हैं 19-20 के संदर्भ में, लेकिन वे एनएसओ द्वारा सत्यापित नहीं होते। राज्य सरकारें इन अनुमानों को आधार बनाकर अगले वित्तीय वर्ष के आधार के लिए आधार रूप में ले लेती हैं, इसलिए जीएसडीपी के अनुमान सही नहीं है और ये वास्तव में यहाँ पे हकीकत में होकर दिखेगा। सभापति महोदय, इकोनॉमिक ग्रोथ, मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण बजट भाषण में पैरा 260 में उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान की जीएसडीपी की वृद्धि दर भारत सरकार की जीएसडीपी के औसत वृद्धि दर से अधिक रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसी वर्ष अपने बजट भाषण में कहा है, एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 22-23, इंडियाज रियल जीडीपी एंड नॉर्मल जीडीपी आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 7% एंड 15.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन 22-23। ऋण एवं देनदारी कितना की पिया 2019 में 3,11,373 करोड़, जो बढ़कर हो गया बजट एस्टिमेट में 5,79,781। आपके कार्यकाल में 5 बजटों में राज्य का कर्ज एवं देनदारियां जो 31 मार्च 2019 को 3,11,373 करोड़ से बढ़कर 5,69,000 करोड़ होना, जो कि 86% की वृद्धि है। ये अनुमान लगाएं आपकी, ये वास्तव में अच्छी है या गलत? सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में आज प्रश्न आया तो मैंने इसको भी उठाना उपयुक्त तो समझा। आप तो स्वयं अधिकारी रहे हैं। मैंने पिछले बजट के समय में भी कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जहां पर ट्रैप करता है और लाइव ट्रैप हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, उसके बाद उसको डिसमिस करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो 10 साल मुकदमा लड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं लड़ता। आपको दंडात्मक कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मैंने भी एक प्रश्न पूछा था, नाम तो नहीं, नाम से पूछा था लेकिन संख्या के हिसाब से दिया। डिपार्टमेंट्स को क्या तकलीफ है कि गबन के या आय से अधिक संपत्ति के या ट्रैप के केसेस में अनुमति देने में? अभी कह तो दिया मंत्री जी ने कि इसमें अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान कैसे चलता है और रोका कैसे जाता है, कैसे इसको डाइवर्ट किया जाता है, अच्छी तरह से जानते हैं। कृपया इस संबंध में अधिक गंभीरता दिखाएं और कानून में संशोधन लाएं। एक आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं, हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय मंत्री जी विराजमान है, कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021, कितनी स्कूटी वितरण की, श्रेणियों में किस प्रकार से विभाजन किया और मेरिटोरियस होने का प्रमाण कोई जिलों से मिलेगा, वो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड से मिलेगा, उसमें अलग अलग करके आपने इस तरह से कर दिया। ऐसी रेवड़ियां बांटी है कि जयपुर की एक बच्ची है जिसके 94.20% मार्क्स आए हैं, उसको स्कूटी नहीं मिली है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 50% जिस बच्ची को आए उसको स्कूटी मिल गई है। इस तरह की बंदरबांट हमने पिछले 40 वर्षों में तो नहीं देखी। आप सुधार करेंगे, मैं इस डिस्क्रिमिनेटरी योजना में संशोधन आप लाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मेवाराम जी जी बोल दिया।